सोचो तुम रैंक पुश के लिए कॉन्करर पहुंचे हो और तुम लैंड करते तुम्हारे ऊपर चार बंदे आ जाते गाड़ी लेकर के, पर एक ऐसा प्लेयर जो ऐसे सिचुएशन में फॉल बैक ना करके उन चारों प्लेयर्स पर रश करके उन चारों को मार देता, ये हमारे अनोनी गेमिंग भैया ही कर पाते हैं। कैप गैंग ये है हमारे अनोनी गेम, ठीक है। इनके ऊपर हमने पास में एक बार इनकी स्नाइपर, भाई बंदे की स्नाइपर नेक्स्ट लेवल है, बंदे का क्लोज रेंज नेक्स्ट लेवल है। और बंदा जब कॉन्करर लॉबी में आता है तो M4 को ही स्नाइपर की तरह चलाना शुरू कर देता है, समझ रहे हो? मतलब सोचो किसी की M4 इतनी अच्छी चल रही है कि वो 300 मीटर दूर स्नाइपर की तरह टैप टैप करके हेडशॉट मार रहा है, तो फिर तो स्नाइपर की जरूरत ही क्या है ना। ओके, ये किसने पागलों की तरह स्प्रे मारने शुरू कर दिया यहाँ पर, पूरी स्क्वाड यहाँ पे अनोनी भाई पे आ रही है रश करने के लिए। अनोनी की असॉल्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है सही बताऊं तो। वो आ रही फुल गाड़ी, अरे अरे ये तो भाई दोस्तों की पार्टी लग रही है भाई, यहाँ पर आ रहे चारों बंदे बैठ करके खाना पीना खाने के लिए भाई। ये फ्री का किल मैं लूंगा नोबडी के चारों फ्री के किल बन गए तुम, गाड़ी से उतरने से पहले तो तुम्हारे तीन बंदे नॉक हो चुके हैं। अब वो आखिरी बंदा पत्थर के पीछे छुप गया। ओके, 1v2 की सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि उसने शायद जहाँ तक मेरे को लगता है रिवाइव दे दिया होगा, बट हमारे अरोनी भैया थोड़ा हाई को लगा करके लेफ्ट साइड से फ्लैंक मारते हैं पत्ते को मुंह पे शिट, उसने रिवाइव भी नहीं दिया बैठ करके, क्या पार्टी ले रहा है। अरे भाई भाई भाई, एनीवेज यहाँ पे हथौड़ी हथौड़ी यार, मैं बता रहा हूँ ना अनोनी का गेम प्ले भी निंजा की तरह ही, और अब तो तलवार जो मिल गई भाई को अब तो इससे ऐसे यार करके गोलियों को भी डॉज करके क्लच करता है भाई ये। तब लॉबी जाओ बेटा। ओके, यहाँ पे अनोनी भैया हमारे आए पोचिंग की के ऊपर। ओके, पूरा राइट साइड से फ्लाइंग मारा है मेरी फेवरेट जगह से, और दिमाग देख रहे हो डायरेक्ट ऊपर चढ़ा है। एनिमी को उम्मीद भी नहीं होगी कोई यहाँ से उसको मारेगा, सही बता रहा हूँ, एनिमी को उम्मीद भी नहीं होगी। ये बंदा ऊपर ने फंसा है। ओके, उसके टीममेट ने अच्छा कवर फायर दिया, लेकिन इसकी पोजीशन बहुत सॉलिड है, ये वहां से कूद के यहाँ आ गया है। एनिमी इसके थोड़ी दिक्कत हो सकती है, एक बंदा पीछे से एंगल मारने का ट्राई कर रहा, नीचे एक बंदा आया, बट हमारे अनोनी भाई का तुम देख रहे हो फुल कूदम कादी वाला गेम प्ले भाई, सही में निंजा की तरह ही खेलता है भाई, मजाक छट के बंदा इधर से उधर कूदता ही रहता है भाई, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग से तीसरी बिल्डिंग पे आसमान में उड़ते हुए बंदों को लेटते हुए पीछे से गोली मारते हुए हेडशॉट लगाते हुए भाई, अलग ही स्टाइल इसका। ओके, एक बंदा नॉक फिनिश, डायरेक्ट लॉबी जाओ बेटा, उसका दूसरा टीममेट आ रहा है। अब तुम देखो तो लिटरली बिल्डिंग के ऊपर से कूद जा रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, ये ओपन में आके एंगल मारने का ट्राई कर रहे हैं। अरे भाई भाई भाई, ये टीपी भी लेके कितना इजी मार रहा है ना भाई, क्यों ऐसे ओपन में रश कर रहे हैं भाई। एक बंदे को पता है मिडिल बिल्डिंग से जाकर के एंगल बनाने का ट्राई करना चाहिए, ये इसके ऊपर जो रश कर रहे हैं ना ये सही नहीं कर रहे हैं, सही बताओ तो। मिड कंपाउंड से आके ऊपर चढ़ के घर के ऊपर से एंगल बनाना चाहिए इसके ऊपर, लेकिन एनीवेज एनिमी भी लाइक नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसा एम लेके आया हूँ नीचे से पेड़ डालूंगा एनोनी को, बताओ एक गोली नहीं मार पाए अभी तक ये, और ये मुंह पे कूद रहा है भाई तलवार लेकर के। अब दिस इज नेक्स्ट लेवल स्टफ भाई, अभी रश भी कर दिया बस भाई साहब, बेस्ती नेक्स्ट लेवल की है भाई, काटम काटी कर दी भाई की जिंदगी में भाई। अब यहाँ पे अनोनी रश कर रहा है अगेंस्ट टीपीपी, लेकिन नहीं है डैडी गॉड नो चेंज बाबू भैया, बंदा रश कर रहा है भाई फुल। इन लोगों को टीपीपी लेना चाहिए लेकिन ये लोग रश कर रहे हैं, देखो स्किल की भूख एंड केडी के लालच अच्छे से अच्छे प्लेयर को अंधा बना देता है। एनिमी अपार्टमेंट में बैठ के टीपीपी ले सकते हैं, डीबीएस है भाई उसमें, लेकिन तब भी रश कर रहा है। इसका टीममेट ऑलरेडी हो गया भाई, टीममेट भी रिवाइव हो जाएगा, मतलब रिवाइव क्या रिस्पॉन हो जाएगा। शॉटगन लेकर के हमारे अनोनी भैया आए यहाँ पर, वाओ एक बंदे को लेटाया उतनों पे, फिनिश करा डायरेक्ट लॉबी पहुँचाया, तलवार लेके हमारे अनोनी भैया वापस रश कर रहे हैं यहाँ पर भाई। ये जो चीज़ है ना भाई, गोलियों को डॉज करने वाली भाई, बताओ बंदे पे M249 है कुछ कर ही नहीं सकते भाई, तो माई के M7 से शुरू थी M249, पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, बट तुम क्या ही करोगे भाई, ये तो एकदम कतई अलग लेवल का डिफेंस मैकेनिज्म है भाई, सारी गोलियां डॉज का डालो रश करते टाइम, स्पेशली सोचो इसको लेके तुम रश भी कर सकते हो। वाह, थप्पा पड़ गया भाई, देखो शॉटगन कैसी भी हो होती शॉटगन ही है, समझ रहे हो, तुम्हारी एक्स कैसी भी हो लेकिन थी वो बेवफा ही, चाहे सुंदर हो ना हो, पढ़ी लिखी हो ना हो, समझ रहे हो, डजंट मैटर, बड़ो बेवफा है तभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, दैट्स द सेम थिंग विद शॉटगन, नेवर ट्रस्ट इट भाई साहब। 417 मीटर, बट नहीं यार, एक बंदे को नॉक करो, दूसरा है, दूसरा नॉक करो,
पड़ा है, एक और नीचे कूदा है। भाई ये रिंगा रिंगा रोज़ पॉकेट फुल नूब्स की तरह इधर से उधर क्यों भाग रहे भाई? भाई ये क्या चल रहा है? नॉनी ऊपर से नीचे कूद के, अरे भाई 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 सर धप्पा मार दिया, ऐसे फिनिश करेगा। वाओ भाई ये क्या, हमने बचा लिया थोड़ा सा यहाँ पर। नॉट बैड नॉट बैड, फिनिश डायरेक्ट। बाबू भैया लॉबी जाओ, माइनस 50 के थप्पड़ खाओ। भाई अनोनी की स्नाइपिंग बहुत अच्छी है, पता नहीं उनको देखने को मिलेगी नहीं, बट ये बंदा क्लोज रेंज में स्नाइपर चिपका देता है भाई, को डर वगैरह भी नहीं लगता। अब यहाँ पे थोड़ा गलत ही रश हो रहा है अनोनी पे, एचपी नहीं, इसके टीममेट ने एक बंदे को नॉक करा है। मॉली से फिनिश हुआ, ये पड़ेगी इसको। भाई मैं यही कह रहा हूँ, इसकी स्नाइपिंग बहुत अच्छी है भाई, बता रहा हूँ इसकी स्नाइपिंग असॉल्टिंग से भी बहुत अच्छी है भाई, बता रहा हूँ। स्नाइपिंग बहुत ही अलग है इसकी भाई, बंदा बहुत गलत शॉट मार देता है स्नाइपर देकर के हाथ में। ये तो हम असॉल्टिंग देख रहे हैं कॉन्करर लॉबी, लेकिन भाई स्नाइपिंग का वीडियो भी तुमने देखा हो, नहीं देखा हो तो भाई मैं लिंक डाल दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में, वो देख लेना जाकर के। अरे बाले क्या है मेरे भाई, कल कटवा के आऊंगा ऐसी तैसी बालों के भाई साहब, ऐसे जुल्फे उड़ रही है मेरी, हवा भी नहीं चल रही भाई। एनीवेज अरे भाई धप्पा, ओके रश हो गया भाई ये तो, आई किस दो तीन बंदे लग रहे हैं, अनएक्सपेक्टेडली इंटेंस होगी फाइट। एक बंदा आया नॉक, दूसरा बंदा आया, अरे रोके भागे के हम, धोखा देती है टूपड़ी की गन। अरे थोड़ा स्कैम हो सकता है ये भाई, ये फुल, अरे बाबू भैया अनोनी भाई क्या रिस्क ले रहे हो भाई आप, फुल मतलब मतलब इतने में तो अनोनी को मर जाना चाहिए था सही बताओ तो। थोड़ा एजीएम का स्प्रे भी अप एंड डाउन हो गया था, लेकिन भाई इसने हेल्थ मार दी, एनिमी ने हेल्थ नहीं मारी, एनिमी भी लाइक अरे मैं बिना हेल्थ के रश करूंगा चाहे एक घंटे बाद करूं। ओके एक बंदा भाग के आ रहा ओपन में, थप्पा भाई कितनी स्क्वाड मार रहा है भाई, पता नहीं भाई कितने बंदे आ रहे, क्या चल रहा है ये देखो। एक और कोई यार, क्या चीज है भाई कहां से। अब यहाँ पे AKM 6x, जब तुम्हारा एम ही इतना अच्छा है तो स्नाइपर की जरूरत नहीं है ना भाई, तुम 6x पे AKM भी चला लो, वो भी स्नाइपर की जैसी, उसका डैमेज भी वैसा ही है। ओके भैया AWM लेके आए यहाँ पर, क्या किसी में हिम्मत है यहाँ पे अनोनी पे पीक लेने की, अनोनी की AWM पे पीक लेने की? अरे नहीं नहीं भाई ये लोगों पे तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है भाई, रश ही कर दिया, ये तो नेड़ खाएगा उतरते ही। अरे भाई 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 डिलीटेड, ये क्या किस्तों में क्या आ रहे हो भाई तुम लोग, क्या बराती लोग एक एक करके आ रहे हो शादी का खाना खाने के लिए? भाई एक साथ आओ ना, रश करो चारों बंदे। एक बंदा डीपी लेके पोज मार रहा है, एक बंदा गाड़ी लेके फ्लैंग मार रहा है, एक बंदा पेड़ के पीछे से भाग के आ रहा है, और एक बंदा स्नाइपर खा रहा है पेड़ के पीछे से पीक लेती। सही है भाई, बड़े बड़े रैंगल में ऐसा होता रहता है भाई साहब। इसकी गाड़ी ने इसे बचा लिया, बता रहा हूँ, इसकी गाड़ी जो मुड़ी है ना वो कवर बना दी इसकी गाड़ी ने। ओके यहाँ पे एनिमीज को बुलाने के लिए भाई ने फ्लेयर ड्रॉप मंगाया है, और गाड़ी आ भी गई। किल की भूख, केड़ी का लालच और लूटने की चाहत इंसान को अंधा बना देती है कैब गैंग, उसके आगे उन्हें कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ दिखता है मौत। अब अपनी मौत की तरफ भागे आ जाते हैं, उनको पता है इसमें शॉटगन है, उनको पता है इस पे S1 है, उन्हें पता है ये मरने वाले हैं, लेकिन अपने अंदर की ये चाहत को रोक नहीं पाते ना भाई। केड़ी का लालच है भाई, ग्रीडी लोग हैं नूपड़ी के। जब दिख रहा है सामने वाला शॉटगन लेके अपार्टमेंट में टीपी भी ले रहा है, भाई तुम क्यों घुस रहे हो? इनको कोई नहीं बचा सकता, इनको इन लोगों को खुद से ही कोई नहीं बचा सकता भाई। इतनी बार वीडियो में बोला है भाई शॉटगन के खिलाफ नहीं घुसने का, नहीं घुसने का, स्पेशली जब तुमको खुद ना चलानी आती हो। उसने 50 गोली मार दी डीपीएस की, एक नहीं लगी भाई इस लौंडे से, 50 डीपीएस की गोली में एक नहीं लगी भाई। क्या बोलू भाई, एक बंदे को देख के इनसे रुका नहीं जाता भाई, पागलों की तरह घुसते। इससे अच्छा थोड़ा एंगल बनाते, इधर उधर से आते, क्यों घुस रहे हो भाई? हो गए ना क्लच, अब आ गए ना कॉन्टेंट में, माइनस 50 का थप्पड़ पड़ गया ना भाई, बेस्ती करवा ली ना। ये देखो दो और भागे भागे आ रहे हैं। Excellent work. मैं बता रहा हूँ भाई ये बहुत ऊपरी के प्लेयर थे, खुद ही को चला बना दिया इन्होंने भाई, वो अलग ही प्लेयर था भाई ये। डैमेज पड़ा, पीछे से एक बंदा है, अनोनी भैया ने पीछे से कट करा इसके फ्लैंक को और डायरेक्ट नॉक करा है। एक और टीममेट आया,
एक्चुअली ना जो अच्छी लॉबीज होती है उनमें ऐसी रश होता है, लाइक चार बंदे ऐसे घुसते नहीं, वो अलग अलग एंगल बना के मंकी मैन बने आ रहे हैं, अलग अलग एंगल से यू नो स्टाइलिश वे में एंट्री लेते हैं। अरे चार विंडो ना, चार विंडो से एक ही प्लेयर आएंगे। क्या भी ये जो तुम्हारे अरोनी की सबसे खतरनाक क्लचेस कॉन्करर लॉबी में, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना शुरू में कैसी लगी, जरूर जाके अरोनी को भी सपोर्ट करना, एंड पीस आउट। Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I need all of you to stop what you're doing.